मुकदमे होने कोई बड़ी बात नहीं है हमारे ऊपर, होते रहते हैं, लेकिन बात यह है कि आप किस तरीके से अरेस्ट करते हैं। क्या हमने किसी का मर्डर किया था? आज हमला अर्णब गोस्वामी पर है, लेकिन मामला तो दो साल किसी और पर होगा। झूठे मामले में फंसा करके और एक आतंकवादी की तरह, एक अपराधी की तरह घर से घसीट करके ले गई पुलिस, ये बिल्कुल बदले की कार्रवाई है उद्धव सरकार की। नमस्कार, स्वागत है आपका एचएस बिहार चैनल पर। रिया सिन्हा आपके साथ है। अभी जो है हम मौजूद हैं मौर्य होटल के पास और यहाँ का नजारा यूं है, आप पीछे की भीड़ देख सकते हैं और यहाँ पे हमारे पत्रकार महोदय भी हैं और उसके अलावा हमारे चैनल के अलावा भी और भी पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं। उन सब से हम जानेंगे कि यहाँ पे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। आदेश जी, ये क्या आप क्या लेकर बैठे हैं? देखिए, जो जैसा हुआ है अर्णब गोस्वामी के साथ, जो महाराष्ट्र की सरकार है लगातार एक तो वो दो नंबर के जनादेश से शासन में आते हैं, कोरोना जैसे मामले को नहीं निपट पाते हैं, पाल घर में साधुओं की हत्या हो जाती है कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, इवन की बिहार सरकार वो कार्रवाई करती है उस पर भी वो पेच लगाते हैं, यहाँ के IPS अधिकारी को नज़रबंद कर लिया जाता है। और देखिए, जब एक वरिष्ठ पत्रकार एक चैनल का अर्णब गोस्वामी इस मामले को लगातार रोज अपने चैनल पर दिखाते हैं न्याय के लिए, तो उन पर 2018 का एक बंद पड़ा हुआ मामले को लेकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, बहुत बदसलूकी करके गिरफ्तार किया जाता है। और हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग जनता नहीं है कि आप लोग बेवकूफ़ बना दीजिएगा उद्धव ठाकरे। ये अगर पत्रकारिता का उल्लंघन हुआ रहता तो आप कार्रवाई करते तो हम मानते, आपने एक बंद पड़े हुए केस को उठाकर देश के इतने बड़े पत्रकार को आपने अंदर किया है ताकि आप ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ बॉलीवुड में जो कुकर्म हो रहा है उसके खिलाफ, दाऊद कनेक्शन, फिर से जो ड्रग्स का कारोबार चलता है उसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा उसको इसी तरह पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा। तो इससे कोई डरने वाला नहीं है, हम अपनी आवाज़ जो है जम के उठाएंगे, आगे उठाएंगे जब तक कि इस तरह पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो आदेश जी ने जो कहा उससे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्यों लोग मौजूद हैं। आपको बताएं कि अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, पत्रकार हैं सब के सब, और रिहाई चाहते हैं उनकी। आगे हम उदीप्त के साथ भी जुड़ेंगे। उदीप्त, आप भी एक पोस्टर लेके खड़े हैं और पोस्टर में लिखा है अर्णब गोस्वामी को रिहा करो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके की रिपोर्टिंग वो करते हैं, ताल ठोक के इतने जोर जोर से बोलते हैं, उसके बारे में और इस मामले को हम कैसे जोड़े, क्योंकि मीडिया एथिक्स का उल्लंघन तो उन्होंने किया है लेकिन गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, क्या हुआ है? देखिए, वो उल्लंघन करते हैं नहीं करते हैं, मीडिया लॉस को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, ये बाद की बात है। प्रायोरिटी जो उदीप्त आर्यन के लिए है, एक बिहारी के लिए है, कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में आपको याद होगा रिया, ये इकलौता व्यक्ति था जो आवाज़ उठा रहा था। हम बिहारियों का 13.5 करोड़ जो आबादी है बिहार की, उसकी आवाज़ उठाने वाला ये अकेला शख्स था अर्णब गोस्वामी। बस मेरे लिए वो सेंटिमेंट है, जब आज तक चुप था, जब तमाम चैनल चुप थे, न्यूज नेशन चुप था, अर्णब गोस्वामी स्टैंड हमारे लिए लिया था, हमारे हीरो सुशांत सिंह राजपूत के लिए स्टैंड लिया था, बस उस सेंटिमेंट से हम ये कहना चाहेंगे कि उसे रिहा करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हैं देश प्राण के अनिल विभाकर सर। सर, आपका इस मामले में क्या कहना है? ये पोस्टर जो इतने दिख रहे हैं अर्णब गोस्वामी को रिहा करो, यहाँ पे इतने पत्रकार मौजूद हैं, इस मामले में आपकी क्या राय है? देखिए, इस पे अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी सीधा सीधा मीडिया पर हमला है, मीडिया की जुबान बंद करने का हमला है, अब व्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, हमारे मौलिक अधिकार पर हमला है और संविधान विरोधी है। इसका हम सब बहुत कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और ये महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की बहुत ही अलोकतांत्रिक और तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी सर हैं। सर, आपका इस मामले में क्या कहना है? यहाँ पे बहुत सारे पत्रकार मौजूद हैं, सबके अलग अलग पॉइंट्स थे, लेकिन मेरा सवाल आपसे पहले ये है कि उन्होंने मीडिया एथिक्स की तौहीन तो की थी, लेकिन यह मामले को आप उससे कैसे जोड़ेंगे और ये जो किया गया ये किस तरह का स्टेप है? मैं स्पष्ट कर दूं कि अर्णब गोस्वामी जिस तरीके से पत्रकारिता करते हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, असहमत हूं। वो अर्णब हों या रवीश हों, दोनों एक पक्षीय पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता के ये उसूल नहीं हैं। फिर भी अगर आपको नापसंद है तो उस मामले में आप उनकी गिरफ्तारी कीजिए, अगर वो गलत कर रहे हैं, गलत खबर दिखा रहे हैं, किसी की मानहानि कर रहे हैं, तो उसके लिए पर्याप्त कानून है, उन कानूनों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, न कि झूठे मामले में फंसा करके और एक आतंकवादी की तरह, एक अपराधी की तरह घर से घसीट करके ले गई पुलिस,
ये बिल्कुल बदले की कार्रवाई है उद्धव सरकार की, और पुलिस को मुख्यमंत्री ने खुद आदेश दिया ऐसा प्रतीत होता है, और कोर्ट ने साफ कर दिया, कहा कि इस मामले में कोई केस नहीं बनता गिरफ्तार व्यक्ति पर, और इसलिए उसने चार्जशीट भी नहीं होने दिया। और मैं ये डिमांड करता हूँ पटना के पत्रकारों की ओर से कि उद्धव ठाकरे सरकार को बर्खास्त किया जाए और अर्णव गोस्वामी को तुरंत रिहा किया जाए। तो क्या ये तानाशाही है एक तरह से, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में हम सबके साथ यही हो सकता है? ये तानाशाही की आहट है, मगर ऐसी आहट अब देश स्वीकार करने के मूड में नहीं है। हमने देखा है पहले भी, जब राजीव गांधी अपार बहुमत से प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने मानहानि विधेयक लाया था, और उस मानहानि विधेयक का जबरदस्त विरोध हुआ, अंत में वापस लेना पड़ा, और उसके कुछ ही साल के बाद वो सरकार से बाहर हो गए, जनता ने उन्हें बेदखल कर दिया सरकार से। बिहार में मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, उन्होंने भी प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाने के लिए प्रेस बिल लाया था, उसका भी प्रबल विरोध हुआ, सरकार को झुकना पड़ा, वापस लेना पड़ा बिल, और अंततः जगन्नाथ मिश्रा की भी सत्ता से विदाई हो गई। तो उसी तरह उसी रास्ते पर चल रही है उद्धव सरकार भी, और बहुत जल्द देखिएगा कि उसकी भी सत्ता से विदाई तय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपकी राय के लिए। आगे भी और भी पत्रकारों से हम जुड़ेंगे, उनकी क्या राय है इस मामले में हम जानेंगे। हमारे साथ रिपब्लिक भारत के ही पत्रकार जुड़े हैं, और केशव इनका नाम है आपका, आपके ही संपादक के साथ ये सारी घटनाएं हुई हैं, इसकी आप निंदा कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि निंदा ही करेंगे, तो क्या हुआ है? मैं निंदा से ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऐसा वक्त है जब सबको साथ आना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम सभी पत्रकार बिरादरी के लोग, और पत्रकारों पर यह हमला है। किसी पत्रकार के साथ सुबह आप घर पहुंचते हैं, आप उन्हें हथियारों के साथ आप उन्हें अरेस्ट करते हैं, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी संबंध के। आप कह के तो देखते हैं, हम उस बिरादरी के लोग हैं, जब बात आप बुलाते हैं किसी बात, मुकदमे होने कोई बड़ी बात नहीं है हमारे ऊपर, होते रहते हैं, लेकिन बात यह है कि आप किस तरीके से अरेस्ट करते हैं। क्या हमने किसी का मर्डर किया था? आज हमला अर्णव गोस्वामी पर है, लेकिन मामला तो दो साल किसी और पर होगा। मामला तो दो साल पहले आत्महत्या की उकसाने के लिए, मामला जो भी हो, मामले की बात अलग है, लेकिन बात यह कि आपके अरेस्टिंग का तरीका क्या था, किससे बदला लेना चाहते हैं? मीडिया से, आम लोगों से किससे बदला लेना चाहते हैं? रिपब्लिक मीडिया के पत्रकार जो अर्णव गोस्वामी हमारे एडिटर इन चीफ हैं, लगातार सुशांत सिंह के मामले पर महाराष्ट्र को घेर रहे थे। उन्होंने तो फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर घेरा, पालघर पर घेरा, लेकिन ऐसी 13 और हत्याएं हुई हैं जिसका मुंबई पुलिस के पास कोई हिसाब किताब नहीं है, उस पर क्यों नहीं जांच की? करना चाहिए था। खैर, लेकिन अरेस्टिंग की भी बात थी, तो अरेस्ट करने का भी तरीका होता है, पत्रकार है। आज अगर पत्रकार चुप बैठे, मैं तो पूरे दुनिया के पत्रकारों से अपील करता हूँ, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देख रहा है, तो मैं अपील करूँगा कि तमाम लोग इस मुद्दे पर साथ आए, क्योंकि ये वक्त है लोकतंत्र को बचाने का, ये वक्त है संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे राइट्स हैं उन्हें बचाने का, यही मैं कह सकता हूँ। जनता जानना चाहती है कि अर्णव गोस्वामी के गिरफ्तारी के बाद वहाँ का क्या माहौल है, यानी कि रिपब्लिक भारत का अभी क्या माहौल है, क्या वहाँ के बाकी जो लोग हैं वो डर गए हैं या और ज़्यादा उत्साहित हो गए? देखिए, उत्साह तो फिलहाल बढ़ा है, वंदे मातरम जय श्री राम नारा तो है ही हमारा, सत्यमेव जयते हम लगातार कहते आ रहे हैं, और उत्साह बढ़ा है। मैं और लोगों से भी अपील करूंगा कि हमारे साथ जुड़ें, हमारी मुहिम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि लड़ाई हमारी सिर्फ अकेले नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, पूरे नागरिकों के, पूरे इस पूरे देश के उन लोगों की लड़ाई है जहां संविधान रक्षा करने की बात होती है, जहां संविधान पर चलने की बात होती है, जहां संविधान के अनुसार जो लॉज हैं उन्हें पालन करने की बात होती है, तो हम भी उसका हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम सब पत्रकार एक साथ हैं और इसीलिए यहाँ पे हम आए हैं। हम मौजूद थे मौर्य होटल के पास, यहाँ पे एकत्रित हुए थे सारे पत्रकार और चाहते हैं अर्णव की रिहाई। जी हाँ, इसी मुद्दे पे यहाँ पर यह प्रदर्शन हो रहा था एक तरह से, और सब पत्रकार भाई पत्रकार बहन लोग यहाँ पर आई थी और चाहती हैं सिर्फ और सिर्फ अर्णव की रिहाई, क्योंकि जिस तरीके से 4th Bill of Democracy पर यह अटैक किया गया है वो सरासर गलत है। हम अर्णव के पत्रकारिता करने के तरीके पर सवाल नहीं उठा रहे, उन्होंने
किस तरीके से पत्रकारिता की है उस पर हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक पत्रकार को घर से उठाकर ले जाया जाता है और जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता है वो सरासर गलत है। हमें आगे आना ही होगा, क्योंकि अगर आज हम आगे नहीं आते हैं तो कल को हमारे साथ भी यही हो सकता है। और डेमोक्रेसी है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये हम नहीं भूल सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल के साथ आप बने रहें।